खास करके महिलाओं के हितों के संरक्षण को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार देखेंगे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनके विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं और देखिए किस तरह से जो समरी लाल हो या फिर बीजेपी के विधायक हों या सत्ता पक्ष के विधायक हों, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार देखिए झारखंड में मौत की सौदागर सरकार होश में आओ, ये हेमंत सोरेन सरकार के बारे कहा जा रहा है। किस तरह से लोग यहाँ पर, दादा क्या लग रहा है, ये इसी सरकार में इतना महिलाओं के प्रति उत्पीड़न है या पहले की सरकारों में भी था? नहीं, ये सरकार सरकार नाम का चीज ही नहीं, सरकार तो है ही नहीं, ये तो गुंडा राज है। यहाँ पे हम आप दावे के साथ कह सकते हैं, देखिए ये राजनीतिक कोई बात नहीं है, हम सत्य के तौर पर आपके सामने और जनता के सामने हम रखना चाहेंगे कि हमारे खास करके पूरे झारखंड प्रदेश में कोई सा दिन बता दीजिए कि जिस दिन क्राइम नहीं हुआ हो, चाहे क्राइम मर्डर हो, चाहे क्राइम हमारी बेटी बहू के साथ अत्याचार हो, अन्याय हो, हत्या हो, रेप हो, अपहरण हो, मतलब कोई ऐसा दिन का एक दिन के नाम मुख्यमंत्री जी बता दे कि इस दिन हमारे क्षेत्र में पूरे राज्य में किसी तरह का कोई आपराधिक घटना नहीं घटी है। 2019 के बाद ही ये सब घटनाएं बढ़ी हैं, पहले भी था इस तरह? नहीं, पहले थी मगर कम थी, मगर अभी वर्तमान समय में बेखौफ हो चुका है, कोई डर निडर होकर क्राइम कर रहा है। आज धनबाद में आए दिन एक दिन, मतलब हमारे तो हमारे नजर में हमारे आपके विधानसभा क्षेत्र में भी कम नहीं है ऐसा? नहीं, प्रत्येक दिन हो रहा, तो चार लोग को तो गोली मार दिया गया सीएसएफ कोयला चोरी के दौरान, उस पर क्या एक्शन हुआ, इसका सीबीआई जांच हो, कोई भी एजेंसी से जांच करवा ले, अगर सरकार के लोग नहीं पाया गया तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मगर वहां पे क्या करता है, जो इस तरह से सरकार के खिलाफ गलत कारनामों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उस पर मुकदमा किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है, उसको डराया जाता है, इस तरह की स्थिति पूरे भय का माहौल बनाकर रखा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया है भारतीय जनता पार्टी कि सड़क से लेकर सदन तक किसी भी कीमत पर ऐसी सरकार को चलने नहीं देना चाहिए। होश में रहती तो आज लाखों युवा सड़क पे नहीं होते, होश में रहती तो रूबिका की हत्या करके उसकी चमड़ी नहीं उधेड़ दी जाती, होश में रहती तो सरकार अपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आगे आती और जनता के लिए अपने आप को प्रस्तुत करती है। ये सरकार सत्ता के नशे में चूर है और आज अपने फंसे हुए गले को, जो फंसा हुआ है गला उनका अपने कारनामों के कारण, उसके लिए बेतहाशा आप समझ सकते हैं, ऐसा परेशान है कि उनके होश से ठिकाने में नहीं है। ये सेकंड लास्ट डे है सत्र का, कुछ कामकाज होगा जनहित में? देखिए कामकाज कल भी हुआ है और काम होगा ही, काम हो ही रहा है, जनता के विषय हम लोग लेकर कह ही रहे हैं और उसको कर ही रहे हैं। वेलकम टू चाचा मामा दंगल, अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और उल्टे उसको ट्रॉफी से नवाजे, लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।